भारत पाकिस्तान से सटे बाड़मेर जिले की इस पावन धरती पर हम पहुंच चुके हैं श्रीमती रूमा देवी जी के इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। पहुंच चुके हैं हम बाड़मेर की उस धरा पर, ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान बाड़मेर। धन्य है वो राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले की धरा जिसने रूमा देवी जैसी बेटी को जन्म दिया। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने रूमा देवी जैसी बेटी को जन्म दिया, जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय करा। कौन बनेगा करोड़पति में, इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिलना, सोनाक्षी सिन्हा से मिलना, ये किसी की एक हम कह सकते हैं सपना होता है जो रूमा देवी जी का पूरा हुआ है। इस संस्थान में 22,000 महिलाएं काम करती है रूमा देवी जी के साथ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस देश में जहाँ बेरोजगारी एक और कदम बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर इस संस्थान से जुड़ी हमारी बहनें ये कार्य करते हुए इस बेरोजगारी को खत्म कर रही है। आइए रूमा देवी जी से कुछ बातचीत करते हैं। दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है, दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है, वो तमाशा नहीं है फिर भी तमाशा देख सकता है। हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले तो क्या होगा, जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है। श्रीमती रूमा देवी हमारे बीच, मैम आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि आप कहाँ से हैं, अपने परिवार के बारे में बताइए। नमस्कार, मैं रूमा देवी, राजस्थान बाड़मेर जिले से। बाड़मेर में राउसर गांव है, वहाँ से मेरा जन्म हुआ है। वो 30 किलोमीटर दूर है और गांव भी गांव नहीं होता, वहाँ पे ढाणियाँ होती है, अलग अलग खेत में ढाणियाँ बनी होती है जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा। और जब मैं 6 साल की थी तब मेरी मदर की डेथ हो गई थी और उसके बाद में 8वीं तक ही मैं स्कूल जा पाई और मेरा स्कूल छूट गया। मैम आपका विवाह कब और कहाँ? जब मैं 17 साल की थी तो मेरी शादी हो गई और उससे पहले मैं जब स्कूल छूट गया तो दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम करते थे, बाकी भी जो भी काम था वो घर का काम करते। और शादी के बाद जब ससुराल आए तो वहाँ पे भी हमारे घर में आर्थिक रूप से तंगी थी तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन शादी के 1.5 साल बाद जब मेरा एक बेटा हुआ तो उसको अच्छे से मेडिसिन नहीं दे पाए और उस टाइम हमें लगा कि अब हमें कुछ न कुछ आगे करना चाहिए। तो करे तो क्या, पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो क्यों ना जो दादी से सीखा हुनर है उसी के जरिए आगे बढ़े। क्योंकि मैम विवाह के पश्चात जो हमारे देश में सामान्यतः महिलाएं हैं, ये बच्चे महिलाएं बच्चे परिवार आदि में व्यस्त हो जाती हैं, तो अपने विवाह के कितने साल बाद ये सोचा कार्य करने का? ये 1.5 साल बाद में ही मैंने सोचा कि अभी हमें कुछ करना चाहिए, तो हमने जो हुनर है उसी के जरिए कुछ आगे करना चाहिए। तो 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया और हमने बोला कि अब मार्केट का तो हमें नहीं पता है कि इनका जो हैंडीक्राफ्ट का आइटम बनते हैं इनकी मार्केट कहाँ होती है, लेकिन हमने लोकल मार्केट के लिए ही बैग्स बनाने शुरू किए। और बैग बनाने के लिए हमने मटेरियल खरीदा और उसमें एप्लिक वर्क किया, लेकिन उसको स्टिचिंग करने के लिए मशीन चाहिए होती है तो मशीन हमारे पास नहीं थी। तो हमने फिर 100-100 रुपये इकट्ठा करके सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, उससे हम वो बैग बना पाए। हम ग्रामीण विकास चेतना संस्थान जो आपका ये है, इसकी शुरुआत कब हुई और गत वर्षों में संस्था ने क्या क्या प्रगति की? वैसे तो संस्था 98 से है, लेकिन जब मैं जुड़ी 2008 में, जब हम सिलाई का छोटा छोटा काम कर रहे थे तो हमें किसी ने बताया कि जो ग्रामीण विकास चेतना संस्थान है ये हैंडीक्राफ्ट का काम करती है, हो सके ये आपकी कोई मदद करे। तो हम फिर 2-3 महिला इकट्ठे होकर वहाँ गए और वहाँ हम अभी जो सेक्रेटरी है विक्रम सिंह जी, इनसे मिले और हमने बोला कि हमारा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है और हम काम करने के लिए इच्छुक है, हमें काम की जरूरत है। तो फिर इन्होंने बोला कि हमारे पास में काम है लेकिन काम करने के लिए लोग नहीं है। तो सैम्पलिंग दिया गया हमें, हमने अच्छे से सैम्पलिंग बना के वापस दिया तो वो खुश हो गए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर ऑर्डर का काम दिया, 3 दिन का काम दे के भेजा हमें, लेकिन हम तो नेक्स्ट डे ही सारा काम कंप्लीट करके वापस जमा करवाया। तो उन्होंने बोले ये तो 3 दिन का था, लेकिन हमने बोला हम सोए कहाँ, हमारे पास तो काम आया हुआ था, उस खुशी में नींद भी नहीं आई तो काम पूरा करके ले आए। संस्थान से कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी तो फिलहाल में 22,000 महिलाओं का नेटवर्क है जो हमसे जुड़े हुए हैं। आपके यहाँ किस किस प्रकार के उत्पाद तैयार हुए? हमारे यहाँ पहले बेडकवर और कर्टन्स बनते थे, कुशन कवर बनते थे, लेकिन हमने
सोचा कि बेड कवर हर लोग बार बार नहीं खरीदते, एक बार खरीद लिया तो फिर वो 2-3 साल तो एक बेड कवर भी रखेगा या फिर कोई और चाहिए होगा उनको। लेकिन जो कपड़े पहनते हैं लोग ये बार बार खरीदते हैं, तो क्यों ना अपन इसमें एप्लिक वर्क में एम्ब्रॉयडरी में कपड़े बनाएं। तो फिर हमने साड़ी कुर्ते दुपट्टे बनाने शुरू किए, लेकिन शुरू कर दिए अब लोग देखेंगे कहाँ। तो फिर फैशन शो किए, तो फैशन शो के जरिए हमारा नेटवर्क बना और अभी हमारा गारमेंट्स अच्छे से कर रहे हैं। तो मैम आप संस्था में किस प्रकार का कार्य देखते हैं, जैसे मार्केटिंग हुआ, प्रोडक्शन उत्पादन हुआ, तो ये कौन देखता है? वैसे तो मैं पूरा देखती हूँ, प्रोडक्ट कपड़ा खरीदने से लेके प्रोडक्ट डिजाइन, फिर प्रोडक्ट बनेगा कहाँ कैसे, कौन सी महिला क्या बनाएगी, उसके बाद में मार्केटिंग में ये मार्केट में कहाँ जाएगा, सारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट देखती हूँ। और बाकी काम मेरी पूरी टीम कर रही है, उसके टीम के साथ में काम करने का बहुत ही अच्छा लगता है और वो अच्छे से मैनेज कर रही है। मैम अपना बाजार कहाँ तक फैला हुआ है, जो हमारा चेतना संस्थान जो है ग्रामीण विकास चेतना संस्थान, इसके माध्यम से हमारा बाजार? वैसे तो अपना इंडिया भी हब है, अब रिच है कि अपने प्रोडक्ट को पसंद करते हैं लोग और खरीदते हैं, लेकिन इंडिया से बाहर भी जाता है। बाहर भी जाता है, तो मैम अभी आप जैसे जर्मनी हो गया, सिंगापुर, कोलंबो, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह काफ़ी जगह हम खुद जाके प्रदर्शनी लगाई है, और बाकी यूएसए वगैरह से छोटे छोटे ऑर्डर आते हैं तो हम वहाँ पर भी भेजते हैं। हम 8 मार्च 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा आपको नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजे पर हार्दिक शुभकामनाएं। मैम पुरस्कार के बाद आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ी, किस प्रकार की जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी? जिम्मेदारियां तो बड़ी है, क्योंकि एक महिला को जो मेरे आर्टिजन है उनको लगता है कि अब तो हमारे लिए और अच्छा काम आएगा। तुम मेरे लिए भी चैलेंज है कि इतनी सारी महिलाओं को रेगुलर काम देना, उनको मार्केट से जोड़ना, या और भी कोई उम्मीदें हैं, लोग सोच रहे हैं कि हम भी इसमें काम करें, काफी सारी जिम्मेदारी बढ़ गई है जी। मैम जिस प्रकार आज के युवा हमारे देश में बेरोजगारी को एक बहुत बड़ा एक मानते हैं कि हमारे लिए बेरोजगारी बहुत चिंता का विषय है, तो आप किस प्रकार देखते हैं कि क्या हमारे देश में युवाओं को ये कार्य खुद का स्वयं का कार्य करके बेरोजगारी को दूर हटाना चाहिए या नहीं? जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि आज हमारा देश क्राफ्ट का हब है, तो हर कोई कोई ना कोई काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई फ्री बैठे है, काम नहीं है। जैसे मेरे पास भी कुछ नहीं था तो मैंने काम शुरू किया था सिर्फ मेरे खुद के रोजगार के लिए, लेकिन आज इतने महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो ऐसे ही लोग आगे आके जो युवा है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको तो और आसान होगा काम करने के लिए, वो बेरोजगार के जरिए घूम नहीं सकते, काम कर सकते आराम से। तो मैम जैसे बेरोजगारी की बात आई है, जैसे अभी जो है मशीनरी वर्क बहुत ज्यादा हो गया है, हैंडीक्राफ्ट में मशीनरी वर्क हो गया, तो ये आपके जो हैंडीक्राफ्ट का जो वर्क है जो हमारे महिलाएं करती हैं, तो इसको थोड़ी मतलब वो देता है टक्कर देता है, या आप लोगों को ऐसा लगता है कि मशीनरी वाला जो वर्क है वो हम लोगों को मतलब? वैसे मशीनरी का वर्क बहुत सारा लोग यूज करते हैं, लेकिन हम अभी तक उनको नहीं लग रही है, क्योंकि जब मशीन आ जाएगी तो 100 महिलाओं का काम एक मशीन कर देगी, तो 100 महिलाएं तो बेरोजगार होगी, फिर क्या फायदा मशीनरी। भविष्य में संस्थान को लेकर आपकी? वैसे हमारे बाड़मेर में 1.5 लाख से ऊपर आर्टिजन है जो एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ में 22,000 ही जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आगे और महिलाओं को जोड़े और उनको मार्केट तक पहुंचाए। तो हम बाड़मेर से राजस्थान से इंडिया से वर्ल्ड, पूरे इंडिया से अभी मैं आर्टिजनों को सपोर्ट कर रही हूँ। वैसे जो आदिवासी आर्टिजन है जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उनके क्राफ्ट को कोई मतलब प्रमोट नहीं कर रहा है, तो ट्राइपेड के साथ में जुड़ के हम उनके अलग अलग स्टेट में फैशन शो करवा रहे हैं, उनके कला को प्रमोट कर रहे हैं, उनको खुद को रैंप पे लेके आ रहे हैं, तो उनको मतलब हौसला बढ़ता है, तो वो खुद अच्छे से आगे काम कर पाए। हम आपकी संस्था जो है ग्रामीण विकास चेतना संस्था, ये भविष्य में विदेशों का दौरा कर रही है, तो मार्केटिंग के लिए कर रही है, बाजार तलाशने के लिए कर रही है, या प्रशिक्षण के लिए कर रही है, या हमारे देश की विरासत को फैलाने के लिए?
हमारे देश की विरासत को भी फैलाने का काम कर रही है और मार्केट ढूंढ के लोगों को लिंक करवाना है, ये काम है हमारी संस्था है। ऐसा नहीं है कि आपने इतनी महिलाओं को रोजगार देना ही देना है, लेकिन वो महिलाएं खुद सक्षम हो और मार्केट तक पहुंचे, ये काम कर रही है। बाड़मेर की हस्तकला आधारित कपड़ों में विशेष बात, जैसे हमारा एप्लिक एक रिच है जो कपड़े की सूरत ही बदल देती है, जो दो कपड़े एक कपड़े को कट करके दूसरे कपड़े पे लगा के उनको सुई से तुरपाई करना एक मतलब बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जो लोग देखते ही ऐसे बोलते हैं क्या ये हाथ से बने हुए हैं, लेकिन हम बोलते हैं ये हाथ से ही है, मशीन से नहीं है। और एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी का जो ये कपड़े के ऊपर धागे और सुई और धागे से जो भी आप डिजाइन बोलोगे वो हमारे आर्टिजन बनाते हैं, बहुत ही अच्छे एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं। मैम, फैशन हाउसेस जो हैं हमारे देश में, बॉम्बे दिल्ली जैसा आपने बताया, तो वहाँ से ऑर्डर आप लोगों को आ रहे हैं, किस प्रकार के ऑर्डर? तो हर प्रकार के आ रहे हैं, जैसे होम फर्निशिंग का हो गया, गारमेंट्स का हो गया, या बड़े ब्रांड के लिए भी बना रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हम एग्जीबिशन करते हैं से हमें अच्छे पैसे भी मिलते हैं और डायरेक्ट कस्टमरों को सेल होता है, तो आर्टिजन को भी काफी बेनिफिट होता है। हम डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड पाने के बाद कैसा महसूस हुआ? बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमने फैशन शो तो बहुत सारे किए थे, लेकिन कंपटीशन फैशन शो ये हमारा पहला था और इसमें हम विनर रहे। हमें बहुत गर्व हुआ कि हमारे आर्टिजनों के हाथ के हुनर को सब लोगों ने पसंद किया और देश भर में वो वीडियो चल रहा है आज भी, हमें बहुत खुशी हुई। और उसके बाद में जगह जगह से कॉल आ रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो बहुत अच्छे। तो मैम, जो डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड था उसमें जो रैंक में आपने उतारी थी ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन, वो मैम किसके हम कह सकते हैं कि दिमाग का आइडिया था या किसके मन में विचार आया था कि हमको ये वैसे तो कलरफुल सब ले रहे हैं, लेकिन हमारे राजस्थान का हम कलरफुल में ही कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि उन्हें थोड़ा अलग किया जाए ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि बाहर के लोग भी पसंद करते हैं और इंडियन लोग भी काफ़ी अभी क्रेज आया है ब्लैक एंड वाइट में, तो हमने सोचा अब हमें ब्लैक एंड वाइट का ही कलेक्शन उतारेंगे। बहुत बढ़िया मैम, आप क्या मानती हैं कि सफलता के पीछे और खुशी का मूल्य मनुष्य के जीवन में क्या? जो ऋषि का काम होता है वो ही उनको आगे लेके जाता है और उसी में ही खुशी मिलती है। जो अपने खुद का सब्जेक्ट होता है, जैसे अभी मेरा हुनर में रुचि है, क्राफ्ट में रुचि है, तो ये काम करके ही खुशी मिलती है। अगर मुझे कोई और काम दिया जाता तो शायद मैं वहाँ खुश नहीं रह पाती, अगर पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन जो ऋषि का काम होता है उसी में खुशी होती है। मैम, जिस प्रकार आप मानती है कि हमारे देश से हस्तकला एक गर्त की ओर जा रही है जैसा कि आपने बताया, और तो आप किस प्रकार या आपकी छोटी सी पहल हमारे देश की विरासत को वापस ला सकते हैं, इसके लिए हम कहां तक आने जा रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कला तो खत्म हो ही रही थी जब हमने शुरू किया था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये हम खत्म नहीं होने देंगे, आगे बढ़ाएंगे, पूर्ण जीवित हम करेंगे। बहुत बढ़िया मैम, तो ये थे रूमा देवी जी बाड़मेर से, बाड़मेर की एक छोटी सी पहल रूमा देवी जी के साथ। धन्यवाद। आपका शुभम? मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं ग्रामीण विकास चेतना संस्थान में सेक्रेटरी हूँ। आप कहाँ से? बाड़मेर से। बाड़मेर से। बाड़मेर से। सर, आपका ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान से जुड़ना किस प्रकार? ये तो 98 के टाइम की बात है, उस समय हम लोग आफ्टर ग्रेजुएशन सभी लोगों का अपना अपना इंटरेस्ट था, कोई कंपटीशन की तैयारी करने में था, किसी का अपना और बिजनेस में करना था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्राफ्ट में, आर्ट में, इस तरह के टॉपिक्स पे था, तो मैं धीरे धीरे इसी तरफ मुड़ा और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग फाउंडेशन से साथ में हैं और आज 2019 तक साथ में है 98 से लेकर। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर, मैम रूमा देवी जी से आपका संपर्क किस प्रकार? 2008 में रूमा जी ने संस्थान को संपर्क किया था, उस समय इनके पास एक SHG था, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो ये इन्होंने अपने आसपास के महिलाओं को लेके बनाया था और वो लोग ये बैग्स, कुशन कवर वगैरह बना रहे थे, तो ये लोग काम कर रहे थे और काम की तलाश में इन्होंने संस्थान से संपर्क किया कि
ग्रामीण विकास चेतना संस्थान क्राफ्ट्स वर्कर को प्रमोट करता है या इस तरह के काम में इनकी एक्टिविटीज प्रोग्राम हैं, तो उन्होंने पूछताछ के लिए आए थे और उन्होंने जब काम के लिए पूछा और बातचीत हुई तो उनको शुरुआती काम मिला यहाँ से और वो काम बहुत बेहतर तरीके से हुआ और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से किया कि उसको कह सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से किया। हमारे यहाँ पे आर्टिजन काम करते हैं लेकिन उनका एटीट्यूड प्रोफेशनल नहीं है, वो उस जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते या उनके काम की जिम्मेदारियाँ इतनी है कि वो इस तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने बड़े ही साफ सुथरे अच्छे तरीके से टाइम पीरियड को समझते हुए कि समय कितना बनाना है कैसे बनाना है, तो बहुत शानदार तरीके से उन्होंने अपनी शुरुआत की संस्थान के साथ जुड़ के। और फिर धीरे धीरे जब काम बढ़ता गया तो उन्होंने और महिलाओं को साथ में जोड़ा, क्योंकि उस समय महिलाएं इजीली किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना सहज नहीं था उनके लिए, और रूमा जी के आने से ये हो गया कि महिलाएं आराम से जुड़ने लगी और फिर तो गांव के गांव जुड़ते गए, सफ़र बढ़ता गया। सर, आप ग्रामीण विकास चेतना संस्थान में किस प्रकार का कार्य करते हैं? हम लोग तो हमारा जो काम है पूरे संस्थान का ही वैसे कोर एरिया आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके ही है, और हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट को रोज़गार से जोड़ के देखते हैं कि जब तक कला रोज़गार से नहीं जुड़ेगी वो लंबा चल नहीं पाएगी, यदि उसको रोज़गार से जोड़ दिया जाए तो फिर वो अपने आप चलेगी, फिर शायद हमें या आप लोगों को किसी को उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इन चीज़ों को हम लोग जो काम को व्यवस्थित करना उसकी प्रोग्रामिंग देखना ये मेरा काम रहता है संस्थान में। ग्रामीण विकास चेतना संस्थान के सेक्रेटरी, धन्यवाद। नमस्ते मैम, आपका शुभ नाम? नैन्सी सिंह। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ एंड देन मैंने अपनी ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से की है एंड देन मैंने उसके बाद फैशन डिजाइन का कोर्स किया है निफ्टी से। तो ग्रामीण विकास चेतना संस्थान बाड़मेर से जुड़ना किस प्रकार? मुझे कॉलेज से भेजा गया था वॉलंटियर करने के लिए किसी एनजीओ के लिए एंड वो एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन था नोएडा में, सो मुझे वहाँ पे एज अ ट्रांसलेटर वॉलंटियर करना था और जैसे ही मैं उनसे मिली तो मैंने इस एनजीओ के बारे में देखा और प्रोडक्ट्स देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तब से ही मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। जब मेरा कॉलेज चल रहा था तब मैं वहीं से काम कर रही थी वर्क फ्रॉम होम एंड जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ मैं वैसे ही बाड़मेर आ गई। तो मैम, आप बाड़मेर आए हरियाणा से जैसा आपने बताया, तो परिवार से दूर रहकर यहाँ बाड़मेर है, वो भी बिल्कुल पाकिस्तान से सटे हुए बॉर्डर, तो परिवार से दूर रहना वो किस प्रकार? ऑब्वियसली एज अ गर्ल मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, बट अगर एक एनजीओ को सपोर्ट करने की बात है तो आई थिंक यूथ को आगे बढ़ के ये चांस लेना चाहिए कि अगर हर एक यूथ आगे बढ़ के किसी ना किसी एनजीओ को सपोर्ट करेगा तो आई थिंक उस एनजीओ को भी हेल्प मिलेगी और उस यूथ को भी आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलेगी। मैम, जिस प्रकार आज की जो युवा पीढ़ी ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, उस और बढ़ रही है, इस बीच आपने ग्रेजुएशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से करने के बाद ये हस्तकला का जो ऑप्शन था ये आपने चुना, ये आपका शौक था, रुचि थी? रुचि तो ये एनजीओ से मिलने के बाद ज़्यादा हुई है, बट आई ऑलरेडी सेड कि मैं फैशन में थी तो फैशन में तो इंटरेस्ट पहले से था, बट हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में एनजीओ से जुड़ने के बाद लगा कि शायद मैं अपनी साइड से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो आई थिंक इंडिया के लिए, इस इंडिया के इकोनॉमी के लिए और यहाँ की जितने भी रूरल आर्टिसंस हैं उनके लिए शायद मैं अपनी साइड से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। हैंडीक्राफ्ट आपका पैशन था या पैशन हम कह सकते हैं कि आपका पैशन था जैसा आपने बताया कि मैंने यूनिवर्सिटी? यस, आई वुड से कि फैशन इज माय पैशन, सो फैशन में जो कुछ भी आता है whether it's handicrafts, textile designing और जो कुछ भी फैशन में आता है दैट्स माय पैशन। तो मैम, जैसे पैशन को एक प्रोफेशनल लाइफ में तब्दील करना, स्टार्टिंग में आपको अनसिक्योरिटी फील हुई होगी, तो इसमें फैमिली का सपोर्ट किस तरीके से आपके रहा और आपने किस प्रकार इस पैशन को एक प्रोफेशनल लाइफ में कन्वर्ट किया? बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट मेरे लिए बहुत हार्ड था कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट होके मैं एक फैशन इंडस्ट्री में जा रही हूँ, बोथ आर ऑपोजिट टू इच अदर,
एंड देन फैमिली वाज लाइक कि आप मेडिकल स्टूडेंट हो और आप फैशन में जा रहे हो. देन रिलेटिव्स के कमेंट्स एंड देन व्हाट्सएप, बहुत कुछ आपको बेयर करना पड़ता है बिकॉज यू हैव टू फॉलो योर पैशन. इफ यू वॉन्ट फॉलो योर पैशन देन यू वॉन्ट डू एनीथिंग इन दिस लाइफ. सो मैंने किया, मैंने बहुत हार्डवर्क किया. मैंने जैसे ही कॉलेज ज्वाइन किया मैंने इंटर्नशिप्स ज्वाइन की. फिर मैं प्रोफेशनल लाइफ में आने लगी धीरे धीरे. मुझे पता लगा कि कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, कैसे सीखना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है. फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया. देन आई वॉज लाइक कि हाँ, अब मैं शायद फैशन इंडस्ट्री के लिए तैयार हूँ और मैं स्टेपिंग कर सकती हूँ. मैम, आज की जो हमारी यूथ है उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि चंडीगढ़, हरियाणा टू चंडीगढ़, देन चंडीगढ़ टू दिल्ली एंड दिल्ली टू बाड़मेर राजस्थान, आपकी जर्नी, इस बीच आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक इसकी और भाग रहे हैं, खुद की लाइफ को सिर्फ इस नज़रिए से देखते हैं कि हमारी जॉब नहीं लग रही है तो हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते. आपने वहाँ से यहाँ तक की जर्नी. मैं यूथ को इतना ही बोलना चाहूँगी कि यूथ आजकल सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है एंड वो सब अपने पार्टीज ये सब इसमें से ज़्यादा इन्वॉल्व है. एंड देन यहाँ पे एक रीजन ऐसा है जहाँ पे लेडीज़ को बाहर तक निकलने की अनुमति नहीं है. तो दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. अगर आप एक दिन में एक घंटा भी अगर किसी एनजीओ को दे दें तो शायद उनकी पता नहीं किस एंगल से क्या सपोर्ट हो जाए. तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि यूथ को शायद हमारे रूरल एरियाज की तरफ या फिर जो भी एनजीओ है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कॉज के लिए काम कर रही है, उसकी तरफ एक स्टेप तो रखना चाहिए. तो ये थे नैन्सी सिंगला जी हमारे साथ हरियाणा से, जिन्होंने हरियाणा से लेकर बाड़मेर तक एक यात्रा पूरी की एज ए यूथ. ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में एक अपना छोटा सा योगदान दे रहे हैं. आज की युवा पीढ़ी जहाँ पार्टियाँ, फ्रेंड्स के साथ घूमना, फैमिली, इन सब को छोड़कर ये आज बाड़मेर बैठी हैं, ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है हमारी यूथ के लिए. थैंक यू सो मच. आइए तो बाड़मेर ग्रामीण विकास चेतना संस्थान की उन बहनों से बात करते हैं जो रेगिस्तान की मिट्टी से उठकर रैंप वॉक तक का सफ़र तय करती हैं. अपने दिनचर्या में सुबह से शाम ग्रामीण विकास चेतना संस्थान में अपना समय व्यय करती है अपने परिवार से दूर होकर. हमारे देश में ऐसी महिलाएं भी हैं, हमें गर्व है हमारे देश की इन महिलाओं पर. आइए इनसे बात करते हैं. मैम, आपका नाम? सुगनी. सुगनी जी, ग्रामीण विकास चेतना संस्थान उजुड़ आपने केड़ो महसूस हुए है? बढ़िया महसूस हुए, हमारे रोजगार मिले, हमें पैसा मिले, हमें काम करा. कितना साल होगा आपने ग्रामीण विकास चेतना संस्थान में जुड़ा? 8 साल हुए. ये थे सुगनी जी हमारे साथ. आइए हम और महिलाओं से बात करते हैं. आपका नाम? मेरा नाम मोहिनी है. मोहिनी जी, मैं पूछना चाहूँगा कि ग्रामीण विकास चेतना संस्थान से जुड़ने के बाद आपके जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आया? मैं ग्रामीण विकास चेतना संस्थान से जुड़ने के बाद में मेरा बहुत ही सुधार हुआ है क्योंकि मेरे परिवार की पहले आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. अब मैं यहाँ के रूमा जी से काम लेती हूँ और करती हूँ और महिलाओं को देती हूँ तो मेरे परिवार में अच्छी चलती है और मेरी बेटी को भी आसानी से पटा सकती. तो ये थे मोहिनी जी, इन्होंने बताया कि इस संस्थान से जुड़ने के बाद इनके परिवार में एक आर्थिक, हम कह सकते हैं कि संबल, आर्थिक संबल इनके परिवार में आया, इनका परिवार का खर्च आराम से चलने लगा.